और आइए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार कुंभ में आज निकलने वाली है पेशवाई। जी हां, पेशवाई की जोरदार से तैयारियां हो रही है। आज सबसे पहले निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकलेगी। आइए जानते हैं क्या होती है पेशवाई और क्या है पेशवाई का इतिहास। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन शुरू। हरिद्वार में आस्था और संस्कृति का महाकुंभ। देश भर से पहुंचे साधु संतों के काफिले। कुंभ महापर्व की रौनक यानी साधु संतों के अखाड़े। हजारों साल से सनातनी संस्कृति और परंपराओं की ये रक्षक पेशवाई के लिए तैयार हैं। जब साधु संतों की ये अखाड़े पेशवाई निकालते हैं तो पूरी दुनिया के लोग भारत की इस अद्भुत संस्कृति को देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन क्या होती है ये पेशवाई, इसे जानना भी जरूरी है। दरअसल पेशवाई किसी भी अखाड़े के लिए बहुत खास मौका होता है। पेशवाई यानी साधु संतों का राजसी शानो शौकत के साथ कुंभ में प्रवेश करना। इस शोभा यात्रा में संबंधित अखाड़ों के साधु संत राजा महाराजों की तरह हाथी घोड़े और रथों पर बड़े बड़े भव्य सिंहासनों पर बैठकर निकलते हैं। ये मौका बेहद पवित्र होता है। पेशवाई शब्द जो है, ये है शब्द तो वैसे फारसी शब्द है, पर इस शब्द का अर्थ होता है कि एक सेना के साथ, अपनी समूह के साथ, अपने संपूर्ण सैनिकों के साथ, अपने संपूर्ण जो लोग हैं उन परंपराओं के साथ, जब हम अपनी पूरी मंडली के साथ नगर में निकलते हैं। ये साधु संत हर दिन धर्म संस्कृति की ध्वजा फहराते रहते हैं। देश भर में घूम घूम कर धर्म की अलख जगाते हैं। और जब कुंभ का मौका आता है तो सनातनी श्रद्धालु इनकी राजसी सवारी का स्वागत करते हैं। इस दौरान अखाड़े अपने हथियार और पहचान की निशानियों के साथ पेशवाई निकालते हैं, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु कुंभ नगरी में पहुंचते हैं। हरिद्वार के अलावा प्रयागराज, नासिक और उज्जैन कुंभ मेले में भी पेशवाई निकाली जाती है। ऐसी पेशवाई कि हरिद्वार के लोग ही नहीं, पूरे भारत के लोग देखेंगे। हमारी पेशवाई का मुख्य, हमारा जो पेशवाई जो कुंभ मेले का पर्व मुख्य होता है, पेशवाई का होता है। तो यहाँ हमारे यहाँ नासिक से एक पेशवाई बैंड है, कई बैंडों के साथ, नागाओं के साथ, संत महात्माओं के साथ हम लोग निकलेंगे। जाता है कि पेशवाई की परंपरा मध्यकाल में तब शुरू हुई जब आक्रांताओं से लड़ने के लिए स्थानीय राजा महाराजाओं ने भी साधु संतों से मदद मांगी थी। और साधु संतों ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए थे। अंग्रेजों के राज में भी पेशवाई की परंपरा कभी बंद नहीं हुई। साधु संतों के मुताबिक ब्रिटेन की संसद में पेशवाई को लेकर बहस की गई थी और अंग्रेजों ने भी पेशवाई की परंपरा से छेड़छाड़ नहीं की। देखिए, प्रयास तो हमारा पूरा है पेशवाई सबसे अच्छी हो, दिव्य हो, भव्य हो और सुरक्षित हो, और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो है प्रयास सफल हो जाएगा। हमने जो है कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और जौनसार से जो है बड़े अच्छे अच्छे कलाकार बुलाए हुए हैं, वो अपनी अपनी झांकियां लेकर के चलेंगे। कुंभ में साधु संतों की पेशवाई के साथ ही कुंभ की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। आशु शर्मा, हरिद्वार।